हेलो एवरीवन, होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं फिर से क्रिएटर पे आई हूँ और क्रिएटर पे हमने एक और फंक्शंस और स्मॉल छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो हम आज स्टडी करेंगे। वो हेल्पफुल बहुत है लेकिन छोटा सा है। चलिए अब हम क्रिएटर पे स्टार्ट कर ही चुके हैं। अब हम क्रिएटर भी स्टडी करेंगे क्योंकि हम काफ़ी CRM जो प्रोजेक्ट पीपल रिक्रूटर हम काफ़ी पढ़ चुके हैं और मैं प्लेलिस्ट भी बना चुकी हूँ सबकी। अभी हम उससे थोड़ा सा हट के स्क्रैच पे आते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ मैं रहूँगी आगे। और क्रिएटर के अंदर कैसे फंक्शंस लिख रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी स्टेप बाय स्टेप। जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। और अगर आपको कोई भी इशू आता है या कोई भी डाउट है रिलेटेड टू जोहो एनी एप्लीकेशन, जस्ट पिन मी और यू कैन कॉन्टेक्ट मी। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आप डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जो सीखना भी है तो भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो मेरे पेड चार्जेस रहते हैं। यहाँ मैं आपको फ्री में चीज़ें जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं बताती हूँ, तो वो आगे की चीज़ है। एज यूजुअल सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत 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 ज़रूरी हैं। बिना सब्सक्राइबर के मोटिवेशन नहीं मिलती है, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए अब हम चैनल पे आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारी स्मॉल स्मॉल फंक्शनैलिटी है वो हम चेक करते हैं। एक एप्लीकेशन है, मैंने एक्चुअली क्या किया है, एक मैंने बिजनेस रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाया है और इस पे मैंने ड्रॉप डाउन पे शो और हाइड भी करवाया है। शो और हाइड की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। आज मैं जो करवाने जा रही हूँ, इस वाले फॉर्म को मैंने पब्लिक किया है। एक चीज़ पब्लिक का URL मेरे पास ये है, जैसे कि हम कोई भी पब्लिक URL जनरेट कर सकते हैं, तो अभी मैंने ये जनरेट किया है। फॉर्म मैं यहाँ से भरने वाली हूँ और वो मेरा डेटा इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो हम करने वाले हैं वो है ईमेल वेरिफिकेशन। जो भी यहाँ पे एंटर डाल ईमेल डालता है वो OTP वेरीफाई करेगा। OTP वेरीफाई करेगा तब ही ये चेकबॉक्स अनेबल होगा, तब ही वो फॉर्म सबमिट कर सकता है, नहीं तो वो फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता है। और ये काम हमें फॉर्म से भी कराना है क्योंकि ये पब्लिक है। जब भी हम कोई डेटा कैप्चर करा रहे हैं तो वो हम यहाँ से कराएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे चाहिए होगा वो। इसीलिए अब मैंने इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट और लॉजिक लगाया है वो हम देखते हैं। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, तो एक बार हम सोचेंगे तो क्लियर हो जाएगा हमको। आते हैं, मैंने वर्कफ्लो बनाया है। सबसे पहली चीज मैं क्लियर करती हूँ, मैंने यहाँ पे ईमेल बनाया है, OTP बनाया है, एक फील्ड और बनाया है वो है रैंडम नंबर जनरेट करने का। तो पहले मैं डिजाइन इसका दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट किया हुआ है, वो मैंने एक फील्ड के अंदर स्टोर कराया है। ये मेरे तीन फील्ड हैं, ईमेल है, रैंडम नंबर है और OTP है। तो उसके बिहाफ पे मैं ये अनेबल और डिसेबल कर रही हूँ। अब हम आते हैं, सबसे पहले हम रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। क्योंकि क्यों हम रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि जो नंबर हमारा मेल OTP के तौर पर वेरिफिकेशन के लिए जाएगा वो नंबर हम अपने सिस्टम में ही जनरेट करेंगे। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने ये फील्ड हाइड कर दिया, तो शो हाइड वाला कॉन्सेप्ट हम वैसे ही पढ़ चुके हैं। तो मैंने ये नंबर हाइड कर दिए ताकि वो फंक्शनैलिटी के तौर पे मेरे पास रहे लेकिन व्यू ना हो उसे। तो मैंने सबसे पहले मैंने लगाया है ईमेल, 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 ईमेल पे मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट किया है, उसको इस वेरिएबल में स्टोर कराया है। उसके बाद मैंने सेंड मेल की है। अब नॉर्मली हम मेल का सिंटेक्स जो है यहाँ से भी ला सकते हैं, और अगर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेंड मेल भी अगर मैं करती हूँ तो भी मैं यहाँ से कर सकती हूँ, तो ये ऑप्शनल है, मतलब सिंटेक्स ना याद रहे उसके लिए। फिर हम आते हैं, यहाँ मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट कर दिया। ये रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए कोड है कि 5 से लेके इतने के बीच में मेरा रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। सेंड ईमेल करवा रही हूँ मैं जोहो एडमिन की मेल आईडी से।
एडमिन की मेल आईडी से मेल ट्रिगर हो रही है। किसको ट्रिगर हो रही है? जो मेल आईडी उसने इनपुट करी है। किस में इनपुट करी है? मेल मेल वाले फील्ड में, यानी कि इसमें। उसके बाद सब्जेक्ट में ओटीपी वेरिफिकेशन है, मैसेज जा रहा है ये, और जो रैंडम नंबर मैंने इस वेरिएबल में स्टोर किया है वो यहाँ जा रहा है। अब मैंने इनपुट किस में करा लिया? रैंडम नंबर के अंदर, इसी वाले जो नंबर मैंने जनरेट किया है उसको मैंने इसके अंदर इनपुट करा लिया। अब ये क्यों कराया है वो भी मैं बताती हूँ। अब यहाँ मैंने इसको स्टोर करा लिया इसके अंदर। जब मैंने इसको रैंडम नंबर के अंदर स्टोर करा लिया है, ठीक है, अभी यहाँ ये कोड क्लियर होना चाहिए। इसको मैंने क्या किया है, डिजाइन पे आती हूँ मैं। अब मैंने एक मेल ट्रिगर करी, पहले मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट किया। जो रैंडम नंबर मैंने जनरेट किया है वो मैंने, जैसे ही कोई यूजर इस मेल आईडी के अंदर, इस फील्ड के अंदर मेल एंटर करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। वो रैंडम नंबर जनरेट होके इस वाली फील्ड के अंदर स्टोर हो जाएगा। वही रैंडम नंबर मैं इसी वाले मेल पे भेज रही हूँ, सेंड करवा रही हूँ, हालांकि वो यहाँ पे भी स्टोर है और मेल पे भी गया है। अब मैं कंडीशन लगा रही हूँ कि जो रैंडम नंबर है मेरा जनरेट हुआ है, जो मैं इस मेल पे गया है, वो अगर ओटीपी के फील्ड के अंदर होगा तो ये अनेबल होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है आई थिंक? देखो, अगर अब जो मैंने कंडीशन लगाई है, पहले तो मैंने रैंडम नंबर जनरेट कर लिया और उसको मैंने रैंडम वाली फील्ड में भी स्टोर करा लिया है। अब मैंने ओटीपी के इनपुट पे, यानी कि ओटीपी वेरिफिकेशन वाले फील्ड के इनपुट पे करवाया है। अगर मेरा ओटीपी के अंदर जो वैल्यू एंटर हुई है वो वैल्यू रैंडम नंबर की वैल्यू से सेम है तो वो फील्ड अनेबल होगा, नहीं तो वो एल्स में डिसेबल होगा। ठीक है, ये तो अनेबल और डिसेबल मैंने रैंडम के नंबर पे करवा दिया। अब कॉन्सेप्ट में भी अगर हम देखते हैं तो आते हैं। मैंने इसमें एक मेल डाली, इसमें एक मेल आईडी डाली सपोज, ठीक है, हम यहीं पे ही ले लेते हैं। मैंने ये मेल आईडी डाली, अब इस वाली मेल पे मेरा ओटीपी ट्रिगर होगा, तो हम इस पे ओटीपी चेक कर लेते हैं। अब इस पे मेरा ओटीपी आ गया है, तो जो ये मेरा ओटीपी आया है इसको मैं अगर कॉपी करके इसमें डालती हूं तो मेरा ये वाला चेकबॉक्स अनेबल होगा, यानी कि मैंने ओटीपी गलत डाला है, इसीलिए ये डिसेबल ही है, अनेबल नहीं है। अब मैं वापस जाती हूँ, रिफ्रेश करते हैं हम। ट्रिपल 197। अच्छा, अब मैंने इसमें ओटीपी डाला, हालांकि ये मेरा वेरीफाई नहीं हुआ है, मैंने रीसेंड किया है दोबारा। मैं रीसेंट पे देख लेती हूँ, मेरे पास आया है 6717। अब मेरा ये चेकबॉक्स अनेबल हो गया, पहले डिसेबल था, अनेबल हो गया। सेम अगर मैं अब जैसे कि मैंने रीसेंट किया, कभी कभार ऐसा हो जाता है टेक्निकल और सर्वर की वजह से कि मेल नहीं ड्रॉप हो पाती है, तो हम रीसेंट कर सकते हैं, नहीं तो एक बार में भी मेल पे आ जाता है वैसे, तो वो मेरा वेरीफाई हो जाए। इसके बाद ही अगर ये अनेबल होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है, अगर ये अनेबल होगा तभी मैं फॉर्म सबमिट कर सकती हूँ, अगर ये नहीं होगा तो मैं फॉर्म ही सबमिट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मैंडेटरी है। सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था मेरा इसमें। और रीसेंट ओटीपी के लिए भी मैंने सेम ही सिनेरियो लिखा हुआ है, एक रैंडम नंबर जनरेट करके मेल भेजी हुई है और रैंडम पे मैंने उसको इनपुट ले रखा है। तो ये मेरा एक मेल का कॉन्सेप्ट है, मेल वेरिफिकेशन का जो हम करा रहे हैं। ये एक मैंने लॉजिक लगा के ऐसे लिखा था कि भाई सिस्टम के थ्रू अगर मुझे वेरीफाई कराना होगा तो मैं कैसे इसको वेरीफाई कराऊंगी। हालांकि मेरा पब्लिक फॉर्म है, पब्लिक फॉर्म के अंदर मैं वेरीफाई करा रही हूँ,
तो इसीलिए थोड़ा सा ये ट्रिकी था, इसलिए मैंने इसको सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल रहे आगे के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू।